हाय स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। अभी एस्केप वेलोसिटी नाम में ही है कि क्या ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस के अगेंस्ट जाके काम करना है। सो फॉर दैट आई गिव यू वेरी सिंपल वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड। ये ऑब्जेक्ट है, ये मास है एम, ये कैपिटल एम। किसका मास है? मास ऑफ द अर्थ एज वी नो। ये आर है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। इसका हम लोग ने इसको इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पे कोई पोटेंशियल एनर्जी है, और ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस माइनस जी एम एम अपॉन आर। ये नेगेटिव है, मतलब ये क्या है? बाउंड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब तक ये नेगेटिव है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंसेस पे, तो ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इतना हमको ऊपर भेजना होगा कि ये कहाँ पे जाए? कि इन्फिनिटी पे जाए। और ये इन्फिनिटी पे जाने के बाद अगेन इट हैज टू गो, और इट यू कैन से इट हैज टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। मतलब कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड ना हो, अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ये अर्थ उसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। ये इतना इजी वे टू अंडरस्टैंड है। बस आपको ये समझना है कि अगर आप कोई भी सैटेलाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर रहे हो, तो उसको एक इन्फिनिटी पे लेके जाओ, और उन इन्फिनिटी तक जाने के लिए उसको जो एनर्जी लगनी चाहिए, वो कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी? हम लोग को काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम बी स्क्वायर। अभी इस जगह पे एस्केप है तो क्या बोलेंगे हम लोग? एस्केप वेलोसिटी। लेकिन प्रीवियस टू दैट एक कंडीशन देखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? जैसे वो ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है? फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है, बराबर। और जैसे ही ऊपर 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 जाता है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये दो कंसेप्ट हुए। तो आपको इसमें, और यू विल अंडरस्टैंड कि हमको इनिशियल वेलोसिटी इतनी ज्यादा देनी है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आगे जाना चाहिए। सो इतनी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो ये कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं। हम लोगों को कंसेप्ट तो पता चला, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए कंडीशंस फॉलो करने जरूरी है। दिस इज हैज टू अंडरस्टैंड कि अगर ये तुम लोगों ने फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल कम बैक टू द अर्थ सर्फेस एंड इट विल नॉट गो बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। सो दैट वी डोंट वॉन्ट। हमको क्या चाहिए? कि ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जाके काम करना चाहिए, तो एस्केप वेलोसिटी होगी। अभी और एक चीज समझने की वाली है कि हम लोग को पता है कि स्पेस में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो वहां पे जो काम करेगा वो कौन सा एनर्जी का फंडा काम करेगा? कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ जो मैकेनिकल एनर्जी है, ये वाला चीज काम करेगी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में इनिशियल उसका पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब भी हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया कि फाइनल इन्फिनिटी पे, एक पॉइंट पे इन्फिनिटी पे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। बाउंड टू द अर्थ सरफेस इनिशियली क्या रहेगा? माइनस जी एम एम अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके उतना तो ऊपर जाना चाहिए। अगर ये काइनेटिक एनर्जी नहीं दी तो क्या ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी प्रोवाइडेड। सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस है उधर जाके, सॉरी प्लस होकर जाएगा, जी एम एम अपॉन आर। व्हाट गेट्स कैंसिल? एम एम गेट्स कैंसिल। व्हाट लेफ्ट? वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर। ये 1/2 है, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन आर। और अगर इसका स्क्वायर रूट लो तो क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन आर। यस और नो? सो ये हम लोग को फॉर्मूला, ये हम लोग को फॉर्मूला किसका मिला? सॉरी, ये फॉर्मूला हम लोग को एस्केप वेलोसिटी का मिला। हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर, ये 2 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हुआ 2gm अपॉन आर। एंड वी नो दिस फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है? ये हम लोग का ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला है। हम लोग ने ऑलरेडी ये फॉर्मूला देखा है। अगर तुम इसकी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो तुम लोग के टेक्स्ट बुक में वैल्यू दी 11.8 किलोमीटर पर सेकंड। सो कैन यू इमेजिन, एक सेकंड में इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो ये ऑब्जेक्ट कैन एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, और इट विल नॉट कम बैक, फिर से नहीं आएगा। अगर इतना नहीं दे रहे हो, इतना वेलोसिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? द ऑब्जेक्ट विल कम बैक। थैंक यू।